गहोई वैश्य समाज करेरा का होली मिलन समारोह और वार्षिक आय व्यय संबंधी बैठक गहोई भवन बस स्टैंड करेरा पर सोमवार को प्रातः 8:30 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ के साथ प्रारंभ हुआ। सामाजिक बैठक शाम 4 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि 84 क्षेत्रीय अध्यक्ष ईजी शिवशंकर सेठ, अध्यक्षता सीताराम गेड़ा, विशिष्ट भोगीलाल बिलैया, ओम प्रकाश पहाड़िया, नारायण गेड़ा, सीताराम गेड़ा बापू, गहोई समाज अध्यक्ष मनोज रेंजा मंच पर मंचासीन हुए। सर्वप्रथम माँ सरस्वती मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर परिषद द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक मनोज रेजा के द्वारा की गई। आय व्यय संबंधी विवरण केशव प्रसाद तीतविलासी के द्वारा सामाजिक विकास हेतु चर्चा में अनिल अमर ने कहा कि समाज में बेटा बेटियों की शादी सही उम्र में कर देनी चाहिए। ज़्यादा उम्र में आप बहू तो अच्छी ला सकते हो, लेकिन बच्चा अच्छा पैदा हो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए समय पर ही बेटा बेटी का विवाह करें। वहीं के अमर ने कहा कि निर्वाचन के तुरंत बाद नई परिषद को कोष नहीं दिया जाता, कार्यक्रम करने के लिए उनके पास धन नहीं होता, तो वह लोगों को कार्यकारिणी का विस्तार करते हैं और धन लेने के लिए ऐसे लोगों को दायित्व दिया जाता है जो उस लायक है ही नहीं। पैसा लेकर वह पद दिया जाता है जो आगे जाकर अध्यक्ष पर ही दबाव बनाते हैं। वहीं मुख्य अतिथि ने शिवशंकर सेठ से कहा कि करेरा गहोई समाज सभा ने आय व्यय पत्रक बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया है, जिसके लिए गहोई समाज के अध्यक्ष मनोज रेजा एवं कार्यकारिणी बधाई की पात्र है। चुनाव को 4 वर्ष से अधिक हो गया है, इसलिए गहोई समाज सभा के चुनाव मई में ही संपन्न कराए जाए। सामाजिक संगठनों को दायित्व सौंपे जाने पर चर्चा हुई, उपरांत होली मिलन समारोह प्रारंभ हुआ। सभी ने एक दूसरे को गुलाल से तिलक लगाकर फूलों की होली खेली और होली मिलन समारोह धूमधाम से पुष्प वर्षा कर मनाया गया। कार्यक्रम में केदार सेठ, पीडी गुप्ता, हरिनिवास गुप्ता, अरविंद वेडर, सुभाष सेठ, अवधेश तीतविलासी, सुनील कोठारी, प्रमोद भारती, संजय निखरा, राजू नगरिया, अंशु निखरा ने किया। अंत में सभी सजातीय बंधुओं का स्वरुचि भोज भी हुआ। खास समाचार के लिए करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट। निर्वाचन के बाद जो कार्यकारिणी आ रही है, निर्वाचन के तुरंत बाद नहीं तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उनको चार्ज क्यों नहीं दिया जाता, उनको कोष क्यों नहीं दिया जाता? अपनी स्थिति ये बनती है कि कोष की अनुपस्थिति में उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के लिए जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो पैसे के लिए ऐसे ऐसे पदाधिकारी मनोनीत करना पड़ते हैं जो बाद में अध्यक्ष से एग्जाम मांगने लगते हैं और फिर उस पैसे के लिए उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में उन पदों पर मनोनीत कर दिया जाता है जिसके वो काबिल नहीं है। इसलिए पैसे के आधार पर आमंत्रण पत्रों में नाम और फोटो छपने के आधार पर ये स्थिति क्यों आती है? इसलिए आती है कि संगठन में जो पुराने प्रतिनिधि हैं, नए प्रतिनिधि को चार्ज नहीं देखना चाहते, उनका खेल देखना चाहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं, आप कार्यक्रम कैसे करेंगे, और फिर वो कलेक्शन होता है, कलेक्शन में पद बांटे जाते हैं, ये पद बांटना अच्छी प्रक्रिया नहीं है। इसलिए समाज के जो पूर्व पदाधिकारी, संगठन के पूर्व पदाधिकारी, नए पदाधिकारी उनसे ऑपरेशन नहीं करते, उनकी हंसी देखना चाहते हैं। उन मठाधीशों से मैं इस मंच से आग्रह करूँगा कि वो इस तरह का रवैया त्याग दें, क्योंकि उन अपने कार्यक्रम के दौरान अपने समय जो 2 साल का कार्यक्रम जो समय उन्होंने गुजारा है, उस दौरान उनकी जो प्रतिष्ठा बनी है, चुनाव के पश्चात जब जनता में ये बात आती है कि वो केवल मठाधीश बन गए हैं तो उनकी सारी प्रतिष्ठा चूर चूर हो जाए। इस निर्वाचन कार्यक्रम के बाद मैं उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर आना चाहूँगा जो केवल दिखावे के कार्यक्रम बन गए हैं। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र मुझे मिला सबसे पहला दिन जब मैं बोलता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे जागृति परिषद के पदाधिकारी, गौ मंडल के पदाधिकारी अभी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर में एक महिला रोग चिकित्सक थी, गायनोलॉजिस्ट कहते हैं जिसको, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि 35 साल में आप एक श्रेष्ठ बहू ला सकते हो, 35 साल में एक श्रेष्ठ दामाद देख सकते हो, लेकिन यदि आपको श्रेष्ठ संतान की आवश्यकता है, निरोगी संतान की आवश्यकता है, तो आप अपने पुत्र और पुत्री का विवाह 20, 22, 25 तक करो। यदि आपको ये चीज दिल में नहीं आती है, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जिनकी अपनी अधिक उम्र में विवाह करते हैं,
फिर सबसे पहले 9 महीने बेड रेस्ट पर चले जाते हैं, उनकी संतान होती भी है तो वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाती है। जब अपना बच्चा 20 साल में दुकान पर बैठ गया तो शादी करने में क्या परेशानी, नहीं 20 साल का है तो 20 लाख लेंगे और 35 साल का हो तो करा दे भैया कैसे करा दे। ये कन्याओं की यदि कन्या आपकी कुशल गृहिणी है, 20 साल की है 22 साल की है, तो उनको शादी करने में क्या परेशानी, बोले वो मौसी की मोड़ी मेरी मोड़ी से छोटी है बड़ी है वो अभी तो मैं तो शादी करे नहीं करती। यदि वो जिस कन्या का अपन व्यवहार 18, 20, 22, 25 साल में, हाँ मैं इस बात का सपोर्टर हूँ, यदि कोई अच्छे पद पर जाने वाली कन्या में आप निश्चित रूप से रोकिए, यदि वो पढ़ रही है उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घर पर बैठ रही है, आखिर इस बात को कौन करे, मैं बुरा हो रहा हूँ, मैं बुरा हूँ। आप श्रेष्ठ गवान लो 35 साल में, श्रेष्ठ कन्या लो बहू लो 35 साल में, लेकिन यदि श्रेष्ठ संतान चाहिए तो आपको विवाह 21-22 साल में ही करना पड़ेगा। ये समाज सुधार की बात है। तीसरी बात पे आ जाओ आप, अब हमने जब एक संकल्प ले लिया है कि हम अग्रवाल जैन बैसवाल मारवाड़ी गहोई सब एक मंच पर है, शौक से शादियां हो रही हैं, बेटी दे भी रहे बेटी ले भी रहे और उससे भी नीचे चले गए, वो बहुत ही ज्यादा हमसे ज्यादा अनुभवी है। मुझे आपने चौरासी क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष पद का जो दायित्व किया है इस नाते मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ बैठा रहा है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करता हूँ और सम्मान करता रहूँगा। आपका जो स्नेह मुझे 2-3 वर्षों में प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज कुछ बिंदु यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि तहरा मंच से जब कोई बात बोली जाती है तो बड़ी ही बैलेंसिंग बात बोलना पड़ती है और सत्य बात बोलना पड़ती है। यदि आप सत्य बोलोगे हो सकता है तो कुछ बात किसी को अच्छी लगे किसी को अच्छी नहीं लगे, लेकिन मेरे संज्ञान में जो सही बात होगी मैं उसी को बोलने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम यहाँ नवे मंडल का एक चुनाव हुआ, यहाँ की टीम ने रेजारी ने और निर्वाचन समिति ने विधिवत तरीके से उसके लिए संपन्न कराया, सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके बाद महिला सभा का निर्वाचन हुआ, इस निर्वाचन के संबंध में अभी हमारी द्वारा कुछ बातें कही गई, किसी को बैठाया गया, मेरे पास भी फोन आए थे कि मैं जबरदस्ती यहाँ से भारत भिजवाया गया है। मैंने कहा यदि आपने फॉर्म पे सिग्नेचर किए हैं आपको जबरदस्ती खिंचवाया अब संभव नहीं है कि वो निरस्त किया जाए, यदि आपके सिग्नेचर जस्टिफाइड है तो वो जस्टिफाइड है। इसके उपरांत इलेक्शन हुआ, बहुत ही सालिद इलेक्शन हुआ और दोनों अध्यक्षों ने मिलकर के एक दूसरे को बधाई